हे hey गाइस आज इस वीडियो पे हम टेरापीन्स करने वाले ये आपके नेचुरल प्रोडक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप इसे टेरापीन या टेरापिनॉइड्स भी कह सकते हो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने एल्कलॉइड्स को कंप्लीट किया था तो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो टेरापीन्स टेरापिनॉयड के जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए एल्कलॉयड्स टेरापीन्स पूरे आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट के नोट्स हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बाकी वेबसाइट से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो तो टेरापीन्स क्या होते हैं या टेरापिनॉइड्स क्या होते हैं ये आपके वो क्लास ऑफ कंपाउंड है जो प्लांट्स को कलर देते हैं खुशबू देते हैं और फ्लेवर देते हैं जब भी प्लांट सोर्स का स्टीम डिस्टिलेशन होता है तो जो आपको ऑयली मटेरियल मिलता है उस प्लांट सोर्स से स्टीम डिस्टिलेशन के बाद उसको हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं अब उस एसेंशियल ऑयल्स पे आपके हाइड्रोकार्बनस भी हो सकते हैं जिसे हम पोलिनस कहते हैं या ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया या एल्कोहल्स हो गया ठीक है तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है जो आपको एसेंशियल ऑयल्स में मिल रहे हैं ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन्स ये जो आपके कंपाउंड्स क्लास होती है इनको टेरापीन्स कहेंगे या टेरापिनॉइड्स हम कहते हैं तो डेफिनेशन क्या लिखी है वो देखो टेरापीन्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट कंपाउंड प्लाट्स देयर ऑर्डोर फ्लेवर एंड इन सम केसेज कलर वेन द प्लांट सोर्स डिस्टिल्ड विद स्टीम द ऑयली मटेरियल सो ऑप्ट आर कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स जब इन प्लांट्स का स्टीम डिस्टिलेशन हो रहा है तो जो आपको ऑयली मटेरियल मिल रहा है उसे हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं द एसेंशियल ऑयल्स आर जनरली कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ इधर हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फार्मूला सी फाइव एट एच एच एट एन और देयर ऑक्सीजन डेरेवेटिवस ये जो आपको एसेंशियल ऑयल्स मिल रखा स्टीम डिस्टिलेशन के बाद तो ये इसमें या तो आपका हाइड्रोकार्बन या इनका जो मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन डेरेवेटिवस का वो आपको मिलेगा यहाँ पर एल या आपके किटोन्स हो गए या तो एल्कोहल्स हो गए तो ये जो आपको यहाँ पर क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे हैं कि एल्डिहाइड है या एल्कोहल्स है या आपके आपकेटोन्स है तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड को ही हम टेरापीन्स कहते हैं या टेरापिनॉइड्स कहते हैं ठीक है थेके? अब टेरापीन्स का जो नेम होता है या जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम आइसोप्रीन रूल से यहाँ पर बताते हैं आइसोप्रीन रूल में क्या होता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल टेरापीन्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू और मोर आइसोप्रीन यूनिट यूजअली जॉइंड इन अ हेड टू टेल फैशन जो आपके पास आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टू मिथाइल वन थ्री ब्यूट डाइन ये आपके पास फॉर्मूला होता है ये आपका जो आइसोप्रीन है इसे आप टू मिथाइल वन थ्री ब्यूट डाइन भी कह सकते हो या ब्यूटा वन थ्री डाइन भी कह सकते हो तो ये आपके पास आइसोप्रीन का फॉर्मूला है और यहीं से आपके बहुत सारे यूनिट्स जुड़कर आइसोप्रीन जब आपके बहुत सारे यूनिट्स जुड़ते हैं आइसोप्रीन के तो आपका टेराप्रीन बनता है ठीक है तो ये आपका आइसोप्रीन का फॉर्मूला है कंडेंस फॉर्मूला आपका ये होता है और आइसोप्रीन का जब हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन आपको ये हुआ स्केलेटन कहने का मतलब है कि जब हम कार्बन्स को इग्नोर कर रहे हो सिंपल हम यहाँ पर एक लाइन नोटेशन के फॉर्म पर बना रहे हैं ठीक है ठेके? तो इसमें आपको दो चीज़ें देख रही होगी यहाँ पर आपके पास हेड होता है और ये आपके पास टेल है ठीक है आइसोप्रिन का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया तो ये जो पोजीशन है ये आपकी हेड पोजीशन कहलाती है और ये पोजीशन आपका टेल पोजीशन कहलाती है ये हम क्या सीख रहे हैं ये हम सीख रहे हैं कि आपका टेरापिन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है फिर क्या लिखा है इन अप्लाइंग आइसोप्रिन रूल वी लुक ओनली फॉर द स्केलेटल यूनिट आई सो सी फाइव नेगलेक्टिंग द नंबर एंड पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड जब भी हम आई सो रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हम हमेशा स्केलेटल यूनिट को ही देखेंगे आई सो सी फाइव को ठीक है और बाकी जो आपके नंबर और पोजिशन है डबल बॉन्ड के वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसमें देखो ये आपके पास एक टेरापिन है ठीक है तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर है एक टेरापिन का तो अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये आपको एक आई यूनिट बन गया और इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको एक आई यूनिट बन गया मतलब इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर आई यूनिट है और इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी आपका एक आई यूनिट है ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो आपका हेड जॉइन होता है दूसरे वाले आई के टेल से ठीक है अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक आई आपका ये हो गया सेम स्ट्रक्चर है देखो जैसा स्ट्रक्चर आपका ये वाला था सेम स्ट्रक्चर आपका ये वाला भी है सेम स्ट्रक्चर ये वाला भी है और सेम स्ट्रक्चर आपका ये वाला भी है ठीक है तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो इसमें आप देखो कि ऊपर वाला आपका हेड पोजिशन है नीचे वाला आपका टेल पोजिशन है ठीक है ये आपके नीचे वाले आइसोप्रीम का टेल पोजिशन है और ये वाले आपका ऊपर वाले आइसोक्रीम का हेड पोजिशन है तो हेड और टेल आपके यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हेड और टेल आपके ज्वाइन हो रहे ठीक है ठीके? तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो टेरापिन का स्ट्रक्चर है वो बनता है ये वन ऑफ द टेरापीनस आपके पास यहाँ पर है अब जरूरी नहीं कि हर उसमें ही आपका होता है लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टेरापिन में आपको देखेगा कि आइसोप्रीन रूल आपका लग रहा है उसमें आपको आइसोप्रीन यूनिट्स दिखेगी ठीक है लेकिन फिर भी आपके कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन मेजोरिटी आपका ये पूरा यूनिवर्सल लॉ नहीं है लेकिन मेजॉरिटी में आपको ऐसे ही दिखेगा कि आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन हो गए आपका टेरापिन बन रहा है नेक्स्ट क्या देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरापीन्स क्लासीफिकेशन पूछा जाता है टेरापीन्स का तो टेरापीन्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन द मोलिक्यूल टेरापीन्स या टेरापिनोइट्स को हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा कि कितने नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स आइसोप्रीन यूनिट्स जब भी हम कहें तो उसका मतलब है सी फाइव यूनिट्स ठीक है आप यहाँ पर डबल बॉन्ड या आपका किस कितने कार्बन्स वो लगे हुए हैं जब स्ट्रक्चर बना रहे हो वो आप छोड़ दो बस आपका आइसो सी फाइव यूनिट जो होती है वो आपके आइसोप्रिन यूनिट है ठीक है कार्बन आपके पास पाँच होंगे उसमें बाकी आइसोप्रीन का आपको स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए लेकिन जब आप यहाँ पर उसका वो बना रहे हो जब टेरापिनॉयड बना रहे हो टैरापिन बना रहे हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि हम आइसो सी फाइव की बात करें उस समय आप खाली स्केलेटल यूनिट उसका देखोगे ठीक है तो हमने उसको कितने नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट्स है उसके हिसाब से क्लासीफाई कर रखा टेरापिन को तो सबसे पहले क्लासीफिकेशन है मोनो टैरापिन मोनोटेरापिन में क्या होता है ये आपके इसमें दो आइसोप्रिन यूनिट्स होते हैं सी टेन एक में और सी एक में जैसे ये वाला जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा पीछे ये आपके पास एक मोनोटेरापिन है क्योंकि इसमें आपके दो आइसोप्रिन यूनिट्स है एक आइसोप्रिन यूनिट आपका ये है और एक आइसोप्रिन आपका यूनिट ये है ठीक है और कंबाइन किससे हो रही है एक का हेड पोजीशन और दूसरे का टेल पोजीशन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रखा ये आपको ध्यान देना है ठीक है तो ये आपका एक मोनोटेरापिन है क्लियर हो गया फिर आता है आपका साइस्क्यूले टेरापिन आता है साइस्क्यू क्या होता है इसमें आपके तीन आइसोप्रिन यूनिट्स होते हैं मतलब C5, C5 और C5 तो तीन आपको आइसोप्रीन यूनिट इसमें दिखेंगे सेस्क्यू टेरापिनस में ठीक है फिर आता है आपका डाई एरापिन्स डाई एरापिनस में क्या होते हैं आपके चार आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं तो C20, 20 कार्बन आपको उसमें दिखेंगे C5, C5, C5 और C5 यूनिट्स आपके रहेंगी आइसोप्रीन की ठीक है तो अकॉर्डिंग टू तो आइसोप्रीन यूनिट्स कितने रहेंगे उसके हिसाब से हम टेरापीन्स को या टेरापिनॉइड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं फिर आता है तो आपका ट्राई टेरापिनस इसमें क्या होगा सिक्स आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे सी थर्टी आपके पास यहाँ पर रहेगा कार्बन तीन आपके पास रहेंगे जिसमें आपके पास छः आइसोप्रीन यूनिट्स है तो सिक्स इंटू फाइव क्योंकि एक आइसोप्रीन में क्या होगा पाँच कार्बन होंगे तो सिक्स आइसोप्रीन यूनिट्स है तो सिक्स इंटू फाइव थर्टी कार्बन आपके पास होंगे टेट्रा टेरापिन आता है फिर जिसमें आपकी एट आइसोप्रीन यूनिट्स है सी फोर्टी एट इंटू फाइव फोर्टी तो चालीस कार्बन आपके पास रहेंगे और एट आइसोप्रीन यूनिट्स आपके पास रहेगी आइसोप्रीन यूनिट्स मतलब ये वाली यूनिट्स ये जो आपको यूनिट्स देख रही है या बेटर आप कहो कि ये वाले यूनिट्स कंडे से अमला पे तो ये इतने आपको यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ठीक है और जॉइनिंग कैसे होगी इनकी कैसे होगा देखो हेड एक का दूसरे वाले टेल के साथ फिर अगर आपका तीसरा आइसोप्रीन यूनिट है उसका भी ऐसे ही होगा ये आपका टेल हो गया तो दूसरा वाला तीसरा जो आपका आइसोप्रीन यूनिट होगा उसके हेड से कंबाइन होगा ठीक है फिर आपका जो ये तीसरा होगा उसका टेल चौथे के हेड से कंबाइन होगा तो इस तरीके से आपके जुड़ेंगे हेड टू टेल जुड़ेगा क्लियर हो गया ठीक है दबर क्लासेस ऑफ टेरापीन्स आर फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिंग्स इन द मॉलिक्यूल जो आपके ऊपर क्लासेस है टेरापीन्स की ये आपकी फर्दर सब डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे मॉलिक्यूल में ठीक है अगर आपके पास असाइकलिक है तो इसमें आपकी कोई भी रिंग नहीं होगी एक स्ट्रेट चेन आपके पास होगी ठीक है अगर आपके पास मोनोसाइकिलिक है तो वन रिंग होगा अगर बाईसाइकिलिक है तो दो रिंग्स होंगे अगर ट्राई है तो तीन रिंग्स होंगे टेट्रा है तो चार होंगे तो ऐसे ही आपका चलते रहेगा मेजर आपको यहाँ पर मेजॉरिटी में यही दिखेगा असाइकिल एक मोनोसाइकिल बाईसाइकिलिक और ट्राईसाइकिलिक और ज़्यादातर आपको असाइकिलिक और मोनोसाइकिले ही देखने को मिलेंगे ठीक है कुछ एग्जाम्पल आप देख लो असाइकिलिक मोनोटेलीपिन का एक्जाम्पल है आपका ओ बेसिलॉयल आपका ये होता है तो इसमें आप देखो ये आपका असाइकिलक है ये आपकी जो इसमें कोई भी रिंग्स फॉर्म नहीं हो रही है ये आपकी स्ट्रेट चिंग कह सकते हो इसको ठीक है क्या कह सकते हो नो रिंग इज फॉर्म एयर ठीक है और ये आपका मोनो टेरापिन है मोनोटेरापिन इसलिए क्योंकि इसमें बस आपकी दो आइसोप्रिंग यूनिट है कैसे पता चल रहा है एक आइसोप्रिंग यूनिट आपकी ये होगी नीचे वाली अगर आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से यहाँ से अगर डॉटेड लाइन खींचोगे तो एक आइसोप्रिंग यूनिट नीचे वाली होगी और एक आइसोप्रिंग यूनिट आपकी ऊपर वाली होगी ठीक है तो ये आपका ओसी मेन बेसिलॉय एग्जाम्पल है असाइकिल मोनो टेरापिन का फिर बात आपका असाइकिलिक्सीजिनेटेड मोनोटैरापिन आप डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर कैसा है टेरापिन का तो उसके हिसाब से नाम देंगे ऑक्सीजन अटैच है या कुछ दूसरा आपका कोई एलिमेंट अटैच है तो उसके हिसाब से नाम आपका होगा तो जैसे इसका नाम है असाइकिलिक्सीजिनेटेड मोनो टेरापिन क्यों क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीजन इंक्लूड हो चुका है ओ एच ग्रुप आपका आ गया है तो ये आपका असाइकिलिक तो है ही क्योंकि आपका कोई रिंग नहीं बन रही है इसमें तो कोई आपकी यहाँ पर रिंग फॉर्म नहीं हो रही है स्ट्रेट चेन है कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड है मतलब आपके यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्लूड है और मोनो है मतलब दो आइसोप्रीन यूनिट्स आपके पास यहाँ पर है ठीक है और यह आपका ग्रेन ऑयल होता है जिसे हम रोज ऑयल भी यहाँ पर कहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स मैंने शो कर रखे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है ठीक है अगला आता है आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टेरापीन्स तो सबसे पहले आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखा है मोस्ट टेरापीन्स आर कलरलेस फ्रेगरेंट लिक्विड्स हैंग हैविंग हाई रेफ्रैक्टिव इंडक्स जो बहुत सारे टैरापीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं फ्रेगरेंट लिक्विड्स होते हैं जिसमें आपके पास जिनका जो रेफ्रैक्टिव इंडक्स होता है वह बहुत ज़्यादा होता है अब फ्यू ऑफ दैम एग्ज़ाम्पल कैम्फर आर सॉलिड्स कुछ आपके ऐसे होते हैं टेरापीन्स जैसे कैम्फर है वो सॉलिड्स होते लेकिन बहुत सारे आपके लिकुड फॉर्म पर होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडक्स बहुत ज़्यादा होता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कलरलेस होते लेकिन कुछ ऐसे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैम्फर जो आपके सॉलिड फॉर्म पर भी पाए जाते हैं सेकेंड क्या है दे आर लाइटर देन वाटर एंड रेडिली वोलेटाइल इन स्टीम वाटर से लाइटर है वाटर से लाइटर वेट के है और रेडिली वोलेटाइल है मतलब बहुत जल्दी आपके उबल जाएंगे बहुत जल्दी वेपर्स में फॉर्म हो जाएंगे ठीक है तीसरा क्या they are soluble in organic solvent. Organic solvent soluble है दे आर सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलीबल है बट नॉट यूजली नॉट इन वाटर वाटर में उतने सॉलीबल नहीं है लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे लाइट पेट्रोलियम ईथर बेंजीन या सी सी एल फोर उसमें आपके ज़्यादा सोलिबल है ठीक है फोर्थ क्या दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड अ नंबर ऑफ देम प्रोसेस प्रोसेस प्रॉपर्टीज आपके जो आपकेल्कोलॉइड्स थे वो भी ऑप्टिकली एक्टिव थे मेजोरिटी आपके जो एल्कोलॉइड्स थे वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव थे डेक्स्ट्रो थे याद होगा आपको वैसे ही आपके जो टेरापीन्स है या टेरापिनॉयड्स है ये भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते तो आपके टेरापिनॉयड भी ऑप्टिकली एक्टिव होते और इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ये प्रोसेस करते हैं ठीक है ठीके? फिर आती है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दे गिव द यूजल एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे आपका एच के साथ बी के साथ एच के साथ एच के साथ या ऑक्सीजन के साथ एयर ER के साथ और एलिफेटिक रिंग के साथ ये आपका यूजवल जो एडिशन रिएक्शन होती है वो देते हैं ये जब हम जनरल डिटर्मिनीशन देखेंगे टेरापिनॉयड्स का वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन होती है लेकिन नॉर्मली आपके जो ये टेरापिनॉयड्स होते हैं ये आपके एच के साथ बी के साथ या एस के साथ ओटू के साथ ये रिएक्शन आपको यहाँ पर देते और साथ में एलिफेटिक रिंग्स जो होती है उनके साथ भी यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देते हैं दूसरा क्या है दे ऑल्सो शो रिएक्शन करेक्टरस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सचेज एल डी कार्बोनिल हाइड्रो ग्रुप वेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल अगर आपके पास टेरापिनॉइड पे एल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है हाइड्रो ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शंस चेंज होती है अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो करेक्टरिस्टिक तो जो आपकी रिएक्शंस होती है दिखाते हैं अगर फ़ंक्शनल ग्रुप आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो पे हम जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स देखने वाले जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ द टेरापिनॉड किस तरीके से आपके टेरापिनॉइड्स लेबोरेटरी में बनते हैं क्या क्या स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जैसे हमने पे देखा था वैसे ही हम टेरापिनॉइड का भी देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एल्कोलाइड्स टेरापिनोड्स दोनों नेचुरल प्रोडक्ट्स के आपके कंप्लीट नोट्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड कर दिए वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो सो होप यू लाइक दिस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यू फॉर वॉिंग दिस वीडियो